दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है, लेकिन अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो एक ऐसा रास्ता अपनाती है जो उसकी उम्र की लड़कियों के लिए सही नहीं था। अब इन सबके चलते उसको अपनी जिंदगी में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 15 साल के डेबोरा और उसके बॉयफ्रेंड रिक को देखते हैं जो कि अपना स्कूल खत्म करके कहीं जा रहे थे। वो दोनों जंगल में जाते हैं जहां पर पहुंचते ही रिक बिना समय गवाए डेबोरा पर टूट पड़ता है और उसे प्यार करने लगता है, लेकिन तभी डेबोरा उसे रोक देती है और कहती है कि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद डेबोरा अपने घर पर आती है और वहां पर उसकी मॉम उसे कहती है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है। डेबोरा अपनी मॉम और अपने छोटे भाई के साथ अपने नाना के घर पर रहती थी क्योंकि डेबोरा के डैड के जाने के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डेबोरा की मॉम के पास उसको पॉकेट मनी तक देने के पैसे नहीं थे, जिस वजह से डेबोरा उन पर काफी गुस्सा करती है और इसी के चलते दोनों में बहस हो जाती है। हम देखते हैं कि डेबोरा काफी शौकीन लड़की थी जिसे अपने सभी शौक पूरे करने थे। फिर अगले दिन स्कूल में डेबोरा एक लड़की को देखती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही महंगी कार में स्कूल आई थी। वो लड़की सिगरेट जलाने के लिए सबसे लाइटर मांग रही थी पर किसी के पास भी लाइटर नहीं था। तभी डेबोरा भागकर उस लड़की के पास आती है और उसे लाइटर देती है। डेबोरा उस लड़की से कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर के पास रहती हूँ, पर वो लड़की डेबोरा की बातों को इग्नोर करती है और उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। नीचे डेबोरा का बॉयफ्रेंड उसका वेट कर रहा था, पर डेबोरा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेबोरा उस लड़की से काफी इम्प्रेस हो गई थी और वो उससे दोस्ती करना चाहती थी ताकि वो उसी की तरह लाइफस्टाइल जी सके। फिर स्कूल खत्म होने के बाद डेबोरा अपने दोस्तों के साथ कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है। वहाँ पर डेबोरा एक जींस ट्राई करती है जिसको देखकर उसकी दोस्त कहती है कि तुम इसमें बहुत ही अच्छी लग रही हो, पर डेबोरा के पास उसको खरीदने के पैसे नहीं थे इसलिए वो अपनी दोस्त से कहती है कि मुझे ये जींस पसंद नहीं आई। डेबोरा अपनी लाइफ से काफी परेशान थी क्योंकि उसकी उम्र की सभी लड़कियों के पास वो सब कुछ था जो वो चाहती थी, पर दूसरी तरफ डेबोरा के पास कुछ भी नहीं। फिर घर आकर डेबोरा देखती है कि उसके नाना सोए हुए हैं, तो वो चुपके से उनकी अलमारी में से $50 निकाल लेती है, पर फिर उसे ये पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं इसलिए वो उन पैसों को रखकर वहाँ से सिर्फ $20 ही उठाती है। फिर घर से बाहर निकलकर डेबोरा देखती है कि वो स्कूल वाली लड़की जिसका नाम जेनिफर था उसको उसके पेरेंट्स ने घर से बाहर निकाल दिया है। फिर वो दोनों एक पार्क में आ जाते हैं और वहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर जेनिफर डेबोरा से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ क्लब चलना चाहोगी, जिस पर डेबोरा उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद वो दोनों क्लब में जाते हैं जहाँ पर डेबोरा को काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार क्लब आई थी। फिर वो दोनों क्लब में डांस करने लगती हैं, जिसके बाद डेबोरा जेनिफर को वही $20 देती है और कहती है कि तुम जाकर हम दोनों के लिए ड्रिंक्स ले आओ, पर जेनिफर उसे कहती है कि तुम ये पैसे अपने पास ही रखो, मैं हम दोनों के लिए फ्री में ड्रिंक्स लाती हूँ। जिसके बाद वो सीधा बार काउंटर पर जाकर वहाँ पर खड़े दो लड़कों को आंख मारती है और दो ग्लास ड्रिंक ले आती है। अब ये देखकर डेबोरा उसे पूछती है कि तुमने ये कैसे किया, जिस पर जेनिफर उसे कहती है कि ये एक सीक्रेट है, और फिर वो दोनों क्लब से निकल जाते हैं। रास्ते में डेबोरा उसे कहती है कि मुझे भी वो सीक्रेट के बारे में जानना है, जिस पर जेनिफर उसे बताती है कि मैं एक ऐसी जगह पर काम करती हूँ जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे लड़कों के साथ काम करना होगा और उनकी सारी बात माननी होगी। डेबोरा उसे पूछती है कि क्या उनके साथ इंटीमेट भी होना होगा, जिस पर जेनिफर कहती है कि ऐसा जरूरी नहीं है, पर अगर तुम इंटीमेट होना चाहती हो तो तुम हो सकती हो। इसके साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वहाँ पर काम करने के लिए तुम्हें अपना एक यूनिक नाम रखना होगा, जिसके बाद वो डेबोरा का नाम बो रख देती है। फिर अगले दिन डेबोरा पॉकेट मनी के लिए अपनी मॉम से $5 मांगती है, जिस पर उसकी मॉम उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम पहले ही $20 ले चुकी हो। इस पर डेबोरा को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में जेनिफर को फोन करती है और उसे कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ वही वाला काम करना है जिससे मैं ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। इसके बाद जेनिफर डेबोरा को विंसेंट नाम के एक आदमी से मिलवाती है जो कि एक दलाल होता है। फिर विंसेंट डेबोरा से उसकी उम्र पूछता है तो डेबोरा उसे 18 साल बताती है। इसके बाद विंसेंट उसे अपने साथ ड्राइव पर ले जाता है और उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाता है, जिससे डेबोरा भी काफी खुश हो जाती है। घर आकर डेबोरा अपनी मॉम को बताती है कि उसे एक होटल में जॉब मिल गई है जहाँ पर उसकी शिफ्ट दिन में या रात में कभी भी हो सकती है। फिर थोड़ी देर बाद डेबोरा को विंसेंट का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा पहला क्लाइंट मिल गया है। विंसेंट डेबोरा को रॉबर्ट नाम के एक आदमी से मिलवाता है जो कि शुरू में तो डेबोरा के साथ सही से पेश आता है, पर बाद में वो उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, पर डेबोरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। रात को विंसेंट डेबोरा से मिलकर उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि रॉबर्ट उसका रेगुलर कस्टमर है इसलिए तुम उसे ऐसे मना नहीं कर सकती। जिसके बाद वो डेबोरा को कुछ पैसे देता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन डेबोरा जेनिफर से पूछती है कि क्या तुम किसी के साथ इंटीमेट हुई हो, जिस पर जेनिफर उसे कहती है कि लाखों बार, पहले तो मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता था पर अब मुझे बहुत मजा आता है। थोड़ी देर बाद डेबोरा को फिर से विंसेंट का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि आज रात तुम दोनों को साथ में आना है। फिर रात को वो दोनों साथ में एक पार्टी में जाती हैं और वहाँ पर वो लड़कों के साथ इंटीमेट होती हैं। फिर अगले दिन जब डेबोरा स्कूल में थी तो विंसेंट उसे मैसेज करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है इसलिए तुम्हें अभी आना होगा। अब डेबोरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए
वो अपने स्कूल में बीमारी का बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्लाइंट के पास पहुंचकर डेबोरा देखती है कि ये तो रॉबर्ट ही था जो कि उस रात उसके साथ कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार रॉबर्ट अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा डेबोरा पर टूट पड़ता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद डेबोरा काफी उदास लग रही थी तो विंसेंट उसे कहता है कि जब तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और ये सुनकर डेबोरा को बहुत अच्छा लगता है। अब डेबोरा का डर खत्म हो चुका था इसलिए वो किसी के साथ भी इंटीमेट होने के लिए तैयार थी। अब डेबोरा एक एक करके अपने सभी क्लाइंट्स को खुश करने लगती है जिससे वो ढेर सारा पैसा भी कमा लेती है। अगले दिन डेबोरा के भाई का बर्थडे होता है और घर के सभी लोग मिलकर पार्टी करते हैं। तभी डेबोरा को विंसेंट का कॉल आता है और वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए होटल वापस जाना होगा। पर जब डेबोरा की मॉम उसे जाने से मना कर देती है तो डेबोरा उनसे झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सभी क्लब जाते हैं और वहाँ पर डांस करते हुए एक आदमी डेबोरा के पास आता है और उसे इधर उधर छूने की कोशिश करता है, पर डेबोरा उसे मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम मुझे $400 दोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवा दूंगी। अब वो आदमी उसे $400 देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद डेबोरा उसे बाथरूम में ले जाकर उसे खुश कर देती है। यहाँ पर विंसेंट ये सब देख रहा था और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में ही विंसेंट डेबोरा के साथ इंटीमेट हो जाता है। अब इतनी मेहनत करने के बाद जब डेबोरा अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम को वो सारे पैसे मिल गए थे जो वो अपने इस काम से कमा रही थी। उसकी मॉम उससे पूछती है कि ये सारे पैसे कहाँ से आए तो डेबोरा उनको बताती है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। अब ये सुनकर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो डेबोरा को अपने घर से बाहर निकाल देती है। बाहर आकर डेबोरा विंसेंट को कॉल करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। अब डेबोरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो रॉबर्ट के घर चली जाती है, पर तभी रॉबर्ट के घर पर पुलिस आ जाती है और वो डेबोरा को रिहैब सेंटर भेज देते हैं। रिहैब में डेबोरा एक लड़की से मिलती है जिसका नाम लिली होता है। डेबोरा और लिली की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर एक दिन डेबोरा लिली को विंसेंट का नंबर देती है और उसे कहती है कि तुम इसे कॉल करो ताकि ये आकर मुझे यहाँ से ले जाए। अगले दिन डेबोरा की मॉम उससे मिलने आती है, पर डेबोरा उनसे काफी गुस्सा थी इसलिए वो उनसे वहाँ पर कोई बात नहीं करती। फिर अगले दिन डेबोरा के नाना भी उससे मिलने आते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें यहाँ पर भेजकर बिल्कुल सही किया। अब ये देखकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि इस मास्टर प्लान के पीछे डेबोरा की मॉम का ही हाथ था। फिर कुछ दिन रिहैब में बिताने के बाद डेबोरा वहाँ से छूट जाती है और निकलते ही वो सीधा विंसेंट के घर पर जाती है। यहाँ पर विंसेंट डेबोरा के बाल काट देता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। फिर विंसेंट उसे बताता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो मेरा काम पूरी बंद हो गया था और खर्चा चलाने के लिए मैंने लोगों से उधार पैसे लिए थे। इस पर डेबोरा उसे कहती है कि अब मैं ये काम दोबारा नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि डेबोरा से मिलने वहाँ पर जेनिफर भी आती है जो कि अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद डेबोरा देखती है कि घर के नीचे कुछ लोग विंसेंट से मिलने आए हैं और वो उन्हें अपनी आईडी दिखा रहा है। ये देखकर डेबोरा सोचती है कि शायद उसे भी अपनी आईडी दिखानी होगी, इसलिए वो अपने पर्स में अपनी आईडी को चेक करती है, पर उसकी आईडी वहाँ पर नहीं होती। और तब उसे पता चलता है कि विंसेंट उसी की आईडी उन लोगों को दे रहा है और वो अपना उधार चुकाने के लिए डेबोरा को ही उन लोगों को बेच रहा है। अब डेबोरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर घर के सारे दरवाजे बंद होते हैं। फिर डेबोरा अपनी मॉम को भी कॉल करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और डेबोरा और जेनिफर को पकड़कर अपनी वैन में ले जाता है। फिर रात को वो लोग सिगरेट पीने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और तभी मौका देखकर डेबोरा उनका फोन चुरा लेती है और जैसे तैसे करके उस वैन से बाहर भाग जाती है। अब जेनिफर को तो वो लोग पकड़ लेते हैं पर डेबोरा वहाँ से भागने में कामयाब रहती है। फिर डेबोरा अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैं घर आ रही हूँ। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।